नमस्कार, एनबीसी न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। दिघौरी के अंतर्गत आने वाले श्रीरामनगर निवासी रामलू सुल्तान ने हुड़केश्वर थाने के अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बेवजह मारपीट किए जाने की शिकायत नागपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में की जाने की जानकारी है। इस पर हुड़केश्वर थाने के पुलिस निरीक्षक ने अपनी सफाई दी। दिघौरी के अंतर्गत आने वाले श्रीरामनगर निवासी 65 वर्षीय रामलू सुल्तान बीते गए कुछ दिनों पहले उनके साथ हुड़केश्वर पुलिस थाने के कुछ अधिकारियों ने जब सुल्तान अपने घर बैठे थे तब बेवजह मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को पत्र देकर इस घटना की शिकायत की। मैं घर में उस दिन खड़ा था बैठ के और कुछ मेरे लेबर के लिए पेमेंट के लिए मैंने हिसाब करने के लिए घर से मैं आने के पहले मेरे घर से बुलाया यहाँ पे और उठा के अपना इसके हुड़केश्वर थानेदार वागमार साहब ने उठाया मेरे को फटाफट दो तीन खींचना चालू कर दिया। उसके बाद में धक्का मारे दो चार और आठ दस लोग पुलिस को और बुलाया डीपी वाले को बुला के मेरे को गाड़ी में जबरदस्ती धक्का मार के डाल दिया ना गाड़ी में वहाँ पर भी मारना चालू किया मेरे को। उसके बाद वहाँ से लेके गया पुलिस स्टेशन अंदर लेके जाके मेरे को बाजी मैंने बेल्ट ही बेल्ट से मारे सब। उसके बाद में मैंने अपना अनिल देशमुख साहब को मैंने कंप्लेंट दिया था उसके बाद और इसको कमिश्नर को भी मैंने कंप्लेंट दिया था। उसके बाद में अपना हुड़केश्वर थाने के अंदर भी मेरा मैंने जो जगह के बारे में कुछ कागज दिया हुआ है वहाँ पे सर ऑलरेडी। उसके बाद में अभी वो 10 महीना हो उस 10 महीने से बाकी के बारे में मेरे को कुछ नहीं और मेरे को ले जाके मेरे को कुछ मारे। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस घटना की जानकारी एनबीसीएन के समक्ष साझा की। उस दिन जो घटना हुई उसके चश्मदीद हमारे साथ में उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए क्या हुआ था? वो पुलिस वाले आए थे ये रास्ता के बारे में आए थे वो तो मामा ने बोले कि मेरा खुद का रास्ता है बोले तो मेरा रास्ता है बोले मेरा पूरी प्रॉपर्टी है बोले तो पुलिस वाले जबरदस्ती धक्का धुक्का डाल के गाड़ी में बैठा रहे थे तो फिर उसके में उनने मारना चालू किया मामा को। हम सब यही खड़े थे सब पुलिस वाले को जितना भी हम समझा रहे तो मान नहीं रहे थे वो उन्हें मारते मारते लिग गए उनको और उनकी उम्र के हिसाब से 65 साल की उम्र है थाने में भी मारे ले जाके उनको। हम यहाँ पे काम कर रहे थे जब पुलिस वाले आए यहाँ पे गेट बंद था तो बोले गेट खोलो अंकल बोले हमारे क्या है हमारे वाले गेट है प्राइवेट हम खोल नहीं सकते इसलिए उन्होंने मारना चालू किया एकदम से और उनकी उम्र के हिसाब से मारना नहीं चाहिए था लेकिन जब भी उन्होंने जबरदस्ती मारे और थाने में लेके गए। जैसे पुलिस की गाड़ी आई हम लोग बाहर जाके देखे कि क्या हुआ करके उन्होंने सीधा बोला मालक को बुलाओ। हम जब जाके देखे तो गए वहाँ पे तो देखे मालक को हमने भेजे तो मालक के साथ में मैं भी गया। मालक के साथ में जाने के बाद में देखे तो मैं तीन अधिकारी थे मतलब एक वागमारे साहब थे एक देशमुख थे और एक ड्राइवर था। इसमें फिर मालक के साथ वाद विवाद हुआ रास्ते को लेके तो मालक ने बोले मेरा प्राइवेट रास्ता है तो उनको जबरदस्ती करके एक रैपर मार दिया। उनने सीनियर सिटीजन का कोई लिहाज नहीं करा सीधा उनको मार दिया और तुरंत उसने बोला डीवी वाले को बुलाओ तो डीवी वाले को तुरंत फोन करा। डीवी वाले 2 मिनट में आ गए वो भी जबरदस्ती करने लगे वो जाहिर सी बात है पुलिस का फेवर लिया उन लोगों ने भी उन्होंने ये नहीं देखी कि कौन है क्या है करके और जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डाले। गाड़ी में उठाने के बाद में जबरदस्ती उठा के डाले और फिर उठा के डालने के अंदर में भी 2-3 हैपट मारे और सीनियर सिटीजन हो गए हम लोग बाद बचाव करे तो हमारे भी डंडे उठाए तो हम लोग पीछे हो गए। बस ये लोग हम लोग के साथ में वो जायजती करें हमको न्याय मिलना चाहिए क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन साहब है पहले उनको 2-3 बीमारी से ग्रस्त थे वो और तो इसके लेके हमको उसके लिए न्याय चाहिए हमको। तो वही अपना पक्ष रखते हुए हुड़केश्वर थाने के पुलिस निरीक्षक राजकमल वाघमारे ने इस घटना का खंडन किया। इस समय में एनबीसीएन की टीम हुड़केश्वर पुलिस थाने के पीआर राजकमल वाघमारे जी के पास है। आइए हम वाघमारे साहब से जानना चाहेंगे कि रामलू सुल्तान इन पे जो जाती हुई है वो कहाँ बराबर है और क्या कहना चाहते हैं उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। सर ये बताइए कि जिस तरह से रामलू सुल्तान ने ये आरोप लगाया है कि आपने उनके परिसर में जाके उनको पीटा है क्या वजह क्या थी? पेट्रोल पंप दिघोरी नाक्याजवळ ग्रीनबारच्याजवळ एक व्यक्ति दारू पिऊन ढिंगाणा करत होता त्याच्यामुळे आम्ही त्याला उचललं त्यांना विचारलं एकदम तो शिवीगाळ एकदम घाणेरडा याच्यात बोलत होता तो त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना त्याला आला त्याच्या तोंडातून उग्र स्वरूप होतं पंचनामा केला आणि त्याला पोलीस स्टेशन लाडलं आणि त्याच्यावर आम्ही 257 अपक्रम 220 85 आम्ही मेडिकल करण्यात आलं आणि मेडिकलमध्ये त्याचा पूर्ण दारू पिऊन असल्याचा अहवाल आल्यामुळे त्याचा आम्ही गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याच्या ताब्यात घेण्यात आले त्यांना आणि नंतर सोडून देण्यात आले नंतर त्याला सोडून देण्यात आले। सर अभी इसके बारे में क्या है उनका ये कहना है कि हमें प्रताड़ित किया गया है मैं सीनियर सिटीजन्स हूँ।
त्यांना असं काही करण्यात आलेलं नाही आणि तो दारूपी एवढा धिंगाणा करत होता की त्याला स्वतःलाच माहीत भानच नव्हतं की आपण काय करत आहे म्हणून त्याला त्याच्यामुळे त्याला इकडनं घेतलेलं होतं. सर किसी जमीन विवाद को लेके ये घटना हुई है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. सार्वजनिक ठिकान पर दारू पी के धिंगाना करता है तो जमीन विवाद का कोई प्रॉब्लम ही आता नहीं यहाँ पर. अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं इसके ऊपर गुना दाखिल हो गया, कार्रवाई होगी. अभी दोषारोप पत्र कोर्ट में चला जाएगा इसके ऊपर. इसको मेडिकल में भी आ गया, पूरा मेडिकल में हमने अभी इसका मेडिकल किया तो इसको पूरा अभिप्राय है कि वो दारू पी के है करके. सर एक बात ये भी सामने आई थी कि आपने उनको वहाँ से गेट के जाने आने के बारे में कुछ नहीं है. वो जाने आने का रास्ता उनका रास्ता है, पर लेकिन हमारा कहना था कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं इधर से दारू पी के इधर बाहर है धींगाना करते हैं यहाँ पर, इधर तुम अपने रास्ता के साइड में कर लो. एक तो गेट बंद कर लो, तुम्हारा रास्ता है तो यहाँ पर लोग आना जाना खत्म हो जाएगा, क्रिमिनल आना जाना खत्म हो जाएगा. हमारा यही कहना था, बाकी कुछ नहीं. सर लॉकडाउन भी एक बार शुरू है? नहीं लॉकडाउन अभी ये तो नहीं है. अभी मैं कोई उत्पादन शुक्ल का थोड़ी, पर बंद तो है लॉकडाउन में पूरा बियर बार. ऑनलाइन चालू हो सकता है पर वो तो लॉकडाउन में बंद हो गया. तो आप थे पीआर राजकमल वाघमारे जिनका ये मानना है कि अगर कुछ क्राइम होता है तो ही कार्रवाई की जाएगी वरना कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा इनका मानना है. और इन्होंने अपने ऊपर लगे जो आरोप थे उसको पूरी तरह से खंडन किया है. अब देखना ये होगा कि इस केस में अगली मोड़ क्या होगी. हुड़केश्वर थाने के पुलिस निरीक्षक के मुताबिक सुल्तान दारू पीकर हंगामा मचा रहे थे इसीलिए कार्रवाई करनी पड़ी. तो वही पीड़ित रामलू सुल्तान के वकील गुल्ला ने इन्होंने पक्षकार की बात इन बीसीएन के समक्ष रखी. रामलू सुल्तान की बात सुनने के बाद अब हम सीधा उनके वकील साहब के पास आए, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी अपनी इस विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है. सर ये बताइए कि जिस तरह से आपके वकील को जो प्रताड़ित किया गया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इसमें कितना तथ्य है? एक्चुअली मुझे जो रामलू ने बताया कि उनकी पुलिस शाम को 6 बजे आए और कहा रामलू है बुलाओ उसको, उनको बुलाने के बाद उनको गाड़ी में डाल के वहाँ पे उनको मारा, उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी उनको मारा गया वो भी बाजीराव से. उसके बाद उनके ऊपर जो कार्रवाई की है वो 85(1) बॉम्बे प्रोबेशन एक्ट के तहत की हुई है. और वहाँ पे एक्चुअली उनको जहाँ से लाया गया उनका निजी घर, उनका निजी निवास स्थान वहाँ पे है और निजी निवास स्थान से उनको लाया गया हुआ है. तो एक्चुअली बॉम्बे प्रोविजन 85(1) ये बोलता है यदि कोई आदमी रास्ते पे धामधूम कर रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, दारू पी के हंगामा कर रहा है तो उसको उठाया जाता है. पर इस केस में उनको उनके निजी घर से उठाया गया, ये तो गलत है पहली बात. सेकंड चीज वहां पे जाने के बाद उनको पूछा गया कि प्रमोद गादिया कौन है, इसका मतलब ये है कि प्रमोद गादिया के अगेंस्ट में रामलू सुल्तान ने करीब 1 साल पहले यानी 30/8/2019 को एक तकरार दाखिल की गई थी जिसके अंदर ऐसा हुआ था कि इनकी एक जो जमीन थी गोलनी सिम की वो 3,000 स्क्वायर मीटर जमीन थी, वो रामलू सुल्तान तथा प्रमोद गादिया इन दोनों ने मिलकर ली थी साथ में. उसके बाद में हाल ही में 2018 में उसमें ऐसा हो गया कि प्रमोद गादिया जी ने वो जो जमीन जो रामलू सुल्तान का जो शेयर था वो 25% जो शेयर बता के वो शेयर उसने लड़की के नाम पर बिक्री पत्र करा दिया. उसके एज में तकरार पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था जो कि धोखाधड़ी का मामला था क्योंकि उस सेलिड के अंदर ऐसा लिखा गया था कि 41,54,000 में इन्होंने ये जमीन रामलू सुल्तान ने प्रमोद गादिया की लड़की को बेच दिया और उसके अंदर 6,70,000 का आरटीजीएस उन्होंने बताया हुआ है और 34,57,000 रुपये जो है वो उन्होंने पीडीसी चेक के द्वारा देंगे ऐसा लिखा है उस सेलिड के अंदर में. और उस सेलिड के अंदर में 34,57,000 पीडीसी द्वारा देंगे ऐसा लिखा हुआ है और उसके बाद लिखने के बाद उसमें यह कंडीशन डाला हुआ है कि रामलू सुल्तान जो है वो उस जमीन पे 8.5 फीट तक वॉल कंपाउंड बना के देगा, उसके बाद में वो जमीन का एनईटीपी करा के देगा तो भी वो चेक पास किए जाएंगे. एक्चुअली कोई भी सेलरीड में ऐसा होता ही नहीं है, अगर सेलरीड कोई बिक्री पत्र मारता है ऐसा कभी नहीं होता है कि सेलरीड मारने के बाद कोई कंडीशन कोई जिम्मेदारी जो है वो परचेसर सेलर पे आता हो. तो उसमें एक्चुअली ये जो तकरार वहां पे दाखिल की थी उस तकरार को दबाने के लिए कहीं ना कहीं वहां पे रामलू सुल्तान को उठा के मारा गया और वही तकरार को दबाने के लिए नहीं अदरवाइज पुलिस निरीक्षक साहब को ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुम प्रमोद गादे को पहचानते क्या. जहां तक मेरा अंदाज है उस मैटर में पुलिस निरीक्षक साहब इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे थे, उसके बाद में भी वो उनको पूछते कि प्रमोद गादिया कौन है उनको और उसके बाद बाजीराव से मारते हैं यानी उनको 85 ये उनके उन पर कार्रवाई की है. उनकी उम्र देखो 60 साल की उम्र है उनकी,
उसके बाद में वो आदमी को इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर इसकी फाइल मेरे पास पूरी बीमारी की पड़ी है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद में वो आदमी को वहां पे भी मारा गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में आके मारा गया, उसको बाजीराव से मारा गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। देखो कोविड 19 में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, सैल्यूट है उनके लिए। पर जब ऐसी कोई चीजें मालूम पड़ती है तो आदमी को बहुत दर्द होता है कि देखो ऐसा भी होता है, यानी सच को दबाने के लिए ऐसा जब कोई करता है तो बहुत दुख होता है ये सब सुन के। क्योंकि 85(1) की जो कार्रवाई बता रहे बॉम्बे पुलिस एक्ट के अंदर में, वो सिर्फ इसलिए है कि रास्ते पे कोई धामधूम कर रहा हो, किसी ने कंप्लेंट किया हो कि गाली गलौज कर रहा है, और वो भी सुल्तान जो वो अपने निजी घर में था, उसको निजी घर से उठाया गया है। अब आप क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कि उसको न्याय मिले, क्योंकि वो आदमी गलत हुआ है ना। हमने कमिश्नर के पास में ऑलरेडी कंप्लेंट दी हुई है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है, और हम आगे रिट पिटीशन भी फाइल करने वाले हैं इसके अंदर में, क्योंकि गलत हुआ है। गृह मंत्री के पास भी हमने एक लेटर दिया हुआ है, कंप्लेंट दी हुई है, कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट दिया हुआ है। प्रकार की शिकायत इन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख जी और नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इनके पास भी शिकायत दर्ज की गई है। इस केस की ओर तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई है। आए दिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें कभी आम जनता और पुलिस कटघरे में नजर आते हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर। NBCN न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला यह रुकने का। स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज।